थाउजेंड टावर भी हम टच कर रही है भाई थर्ड गियर में, ये देख लो भाई परफॉर्मेंस 5000 अबव चली गई भाई, कमाल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशु चौधरी और स्वागत है आपका एक और ड्रैग रेस में, जहाँ पे आज हम करने वाले हैं भाई टाटा नेक्सोन वर्सेस मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। ये भाई विटारा ब्रेजा है क्योंकि ये जो अपनी ब्रेजा है ना, ये भाई डीजल वाला वेरिएंट है और ये जो भाई टाटा नेक्सोन है ये पेट्रोल है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, ये पेट्रोल है और ये भाई डीजल है। अगर पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो भाई अपनी नेक्सोन है 118 bhp की पावर देती है और 170 Nm का टॉर्क देती है। वहीं पे अगर भाई ब्रेजा की बात करें 90 bhp की पावर देती है और 200 Nm का टॉर्क देती है। तो भाई पावर तो नेक्सोन में ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल का भी डिफरेंस है। ये जो इंजन है ना भाई ब्रेजा का, ये आना बंद हो गया है, अब सिर्फ पेट्रोल में आती है। नेक्सोन आप डीजल पेट्रोल दोनों में ले सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली नेक्सोन है, इससे ऊपर और इससे नया लेटेस्ट कुछ भी नहीं आता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई जेट एडिशन वाली है, ये देख लो आप, बहुत ही लिमिटेड आपको अभी ये देखने के लिए मिलेगी। तो आज इनकी ड्रैग रेस करके देखते हैं भाई, टाटा नेक्सोन पेट्रोल जेट एडिशन वर्सेस मारुति सुजुकी ब्रेजा डीजल। तो ये डीजल है, ये पेट्रोल है, दोनों मैनुअल है, ये मैनुअल है, ये 5-speed मैनुअल है। इसको मैं देख लेता हूँ भाई, इसमें मैं थोड़ा लिट बिट कन्फ्यूज हूँ। ये भाई अपनी 6-speed मैनुअल है, अगर आपको दिख रहा हो, ये अपनी 6-speed मैनुअल है। तो एक बार इनकी ड्रैग रेस करके देखते हैं भाई, मारुति का डीजल बेस्ट है या टाटा का पेट्रोल का इंजन बेस्ट है। पावर ये ज़्यादा देती है, ये कम देती है, लेकिन भाई चांसेस ना फिर भी मेरे को ब्रेजा के लग रहे हैं। भाई मारुति जो परफॉर्मेंस देता है ना, वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देते हैं इनके इंजन। लेकिन फिर भी एक बार ड्रैग रेस करके देखते हैं, इनिशियल में ये जाएगी भाई, क्योंकि ये पेट्रोल है, इसमें कोई भी लैक नहीं आएगा। ये भाई 2000 अबव आरपीएम पे जाने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देगी। तो ड्रैग रेस स्टार्ट करते हैं भाई, टाटा नेक्सोन जेट एडिशन पेट्रोल वर्सेस मारुति सुजुकी ब्रेजा डीजल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो भाई नेक्सोन है ना, ये अपने भाई हिमांशु भाई की है, जो भाई दिल्ली से अपने पास ड्रैग रेस करने के लिए आए हैं। भाई भी ड्रैग रेस करते हैं, भाई भाई के चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई वीडियो देखना भाई की, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भाई अपने सब्सक्राइबर है ना, प्यार करने वाले, वो ज़रूर भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या लग रहा है हिमांशु भाई, कौन सी जीतेगी? पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस आएगा, बाकी तो मुझे नेक्सोन पे अपनी भरोसा है। परम भाई भी हैं जो थोड़ा खाने पीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। भैया क्या लग रहा है? देखो इसका स्पोर्ट्स मोड तो मुझे पता है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल जी। बाकी वो डीजल में है, हाँ तो शायद कहीं ना कहीं वही पेट्रोल डिफरेंस, वही पेट्रोल डीजल का डिफरेंस है। तो फिर भी क्या लग रहा है कौन सी जीतेगी? उसमें कोई मोड वगैरह तो आता नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही है अपने। स्पोर्ट्स में मुझे पता है शायद नेक्सोन दे जाएगी, जीत जाएगी, और नॉर्मल मोड में अपनी ब्रेजा निकल जाएगी। तो भाई एक बार इनकी ड्रैग रेस करके देखते हैं, टाटा नेक्सोन पेट्रोल वर्सेस ब्रेजा डीजल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। भाई 1.3 है डीजल, कौन से ईयर की आपकी? 2000, ये 17 18 हो गई। ये ब्रेजा है डीजल, वो है भाई नेक्सोन जेट एडिशन, बिल्कुल लेटेस्ट। भाई कितनी चली हुई है आपकी गाड़ी? 6000 होने वाली, सिर्फ 6000 चली हुई है। ये 24000 चली हुई है, ये भी कुछ ज्यादा चली हुई नहीं है, पीक परफॉर्मेंस पे है दोनों, वो पेट्रोल है डीजल है। ड्रैग रेस करके देखते हैं भाई। भैया एसी ऑन रखोगे ऑफ रखोगे? ऑफ है, एसी ऑफ, एसी ऑफ है, एसी ऑफ। इसका नॉर्मल मोड, सिटी मोड ठीक है, इसमें कोई मोड नहीं है आपके, कोई नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल है? इसमें नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। हाँ चलिए, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में नहीं आता, ठीक है। तो इस मैनुअल है ना? हाँ मैनुअल है, 5-speed। तगड़ी भाग रही है, तगड़ी भाग रही है भाई। ये पहुंच गई अपनी 100 तक विनर ब्रेजा। लेकिन भाई रीजन क्या है, एसी ऑन कर लेते हैं, गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन भाई रीजन क्या है कि भाई वो एक तो पेट्रोल थी, डीजल थी, और वो ना पावर मोड में नहीं थी, नॉर्मल मोड में थी ना, सिटी मोड में डिफरेंस आ गया है। तो भैया मारुति की जो लॉन्चिंग है ना, बहुत ही जबरदस्त है गाड़ियों की, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी वैसे हमारी स्टार्टिंग है ना, अभी धीरे धीरे ड्रैग रेस में एक्सपीरियंस हो जाएगा। सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई ये था अपना फर्स्ट राउंड, लेकिन वो ना सिटी मोड में थी, तो भाई ब्रेजा निकल के आगे निकल ली थी। इसमें कोई पावर मोड नहीं आता, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, ये तो सिर्फ पागलों की तरह भागती है मारुति। तो फर्स्ट राउंड की जो विनर निकल के आती है वो भाई अपनी ब्रेजा है, जो नेक्सोन पेट्रोल को पीछे कर देती है। सेकंड राउंड करके देखेंगे, अब पूछते हैं भाई क्या। एसी तो ऑफ था, ये मैंने अभी ऑन किया है, एसी दोनों राउंड में ऑफ था, दोनों गाड़ियों में सॉरी। तो सेकंड राउंड करके देखते हैं भाई,
ब्रेजा वर्सेस नेक्सॉन क्या रिजल्ट आते हैं या कौन सी गाड़ी आगे निकलती है। मेरे को लग रहा है भाई ब्रेजा ना हारेगी नहीं, ये मारुति की इज्जत का सवाल है ब्रेजा, तो इज्जत को बरकरार रखना। सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं भैया। राउंड है इसका स्पोर्ट्स मोड है नेक्सॉन का, ठीक है नॉर्मल, ठीक है एसी ऑफ, ठीक है एसी ऑफ है, ठीक है ठीक है स्टार्ट करो। इससे ऊपर तो भाई उसके साथ कुछ हो नहीं सकता, स्पोर्ट्स मोड में थी, एसी ऑफ था। इसका आरपीएम कितने तक जाता है? इसका भाई 5000 तक, 5000, इसका 4000 इसका, हाँ तो ये इसीलिए इनिशियल में आगे जाती है, ये 4000 तक आगे रुक जाता है, ये 5000 पता है कब जाता है? जब मेरा फर्स्ट गियर लगता है ना, तब ये 5000 छूता है, सेकंड फर्स्ट फिर ये 6 भी छू जाता है, पर जब स्टार्ट होता है ना 4000 पे, 4000। तो एक काम कर लेते हैं, मैं एसी ऑन कर लेता हूँ इस बार, आप अपना एसी ऑफ रखना, कोई दिक्कत नहीं, एसी ऑन करके कर लो कोई दिक्कत ना, तो क्योंकि भाई विनर तो ब्रेजा निकल के आती है, अब तो करीब बहुत गैप है, बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, मतलब 90 bhp और 100 प्लस bhp दे रही है भाई वो, लेकिन भाई कंपटीशन नहीं दे पा रही, डिस्टेंस को ना बढ़ाती हुई चली जाती है ब्रेजा। तो विनर भाई सेकंड, ये था अपना सेकंड राउंड जिसकी विनर भाई ब्रेजा निकल के आती है, जो नेक्सॉन पेट्रोल को बीट कर देती है। अब करेंगे भाई थर्ड राउंड, उसमें क्या है, दो दो बंदे हैं दोनों गाड़ियों में, इसका ना हम लोग अभी एसी ऑन रखेंगे ब्रेजा का, और नेक्सॉन का एसी ऑफ कर लेंगे, फिर देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है, क्या फिर नेक्सॉन कंपटीशन दे पाती है नहीं। वैसे मेरे को लग नहीं रहा भाई वो किसी भी तरीके से कंपटीशन दे सकती है, चाहे पावर मोड में हो या एसी ऑन हो ऑफ हो, ब्रेजा ही विनर निकल के आएगी। तो अब करते हैं भाई थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं, मेरा एसी ऑन है, आप ऑफ कर लेना अपना एसी, ठीक है भैया। हाँ ब्रेजा का ऑन है, अभी भी स्पोर्ट्स मोड है। हाँ स्पोर्ट्स मोड है। व्हील स्पिन कैसे करते हो आप? ये गाड़ी करती है भैया, नहीं मतलब कि इसमें ठीक है क्या ऐसा? हाँ नहीं सही है, अपने आप गाड़ी करेगी वो तो, नहीं टच कर रही है भाई थर्ड गियर में, ये देख लो भाई परफॉर्मेंस 5000 अबव चली गई भाई, कमाल बिल्कुल भाई, 6000 आरपीएम तक जाती है और 5000 अबव ये थर्ड गियर में जा रही है ब्रेजा। भाई मारुति के इंजन की परफॉर्मेंस ना नो डाउट बेस्ट इन क्लास है। ड्राइवर चेंज करते हैं? हाँ ड्राइवर चेंज कर, ड्राइवर चेंज करिए, ठीक है ठीक है। तो मैं भी यही बोल रहा था कि भाई भाई बोल रहे थे कि आप व्हील स्पिन कैसे करते हो, तो व्हील स्पिन भाई एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना बैठी उस गाड़ी में रहे जो व्हील स्पिन ज्यादा करती है, ब्रेजा करती है, फिर हम फॉर्च्यूनर में थे, फॉर्च्यूनर व्हील स्पिन ज्यादा करती है, तो ड्राइवर चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, एक बार ड्राइवर चेंज कर लेते हैं भाई। अब मैं नेक्सॉन पेट्रोल को चलाऊंगा और भाई जो है इसको ब्रेजा डीजल को चलाएंगे, फिर देखते हैं भाई क्या रिजल्ट्स आते हैं ब्रेजा वर्सेस, हो सकता है भाई थोड़ा सा ड्राइविंग का डिफरेंस भी आ रहा हो, अदरवाइज भाई ब्रेजा की परफॉर्मेंस जबरदस्त झक्कास एकदम। भाई ड्राइवर चेंज हो गए हैं, भाई स्पोर्ट्स मोड में है ना ये, हाँ हो गया हो गया, आ रहा है इसमें स्पोर्ट्स मोड, एसी ऑफ है, एसी ऑफ है आप लोगों का, अब करते हैं भाई फाइनल राउंड ब्रेजा वर्सेस नेक्सॉन, मैं नेक्सॉन चला रहा हूँ, ठीक है भैया करो स्टार्ट। इसके मैट में क्लिच नीचे, क्लच वगैरह सेट हो गया अपना गाड़ी का, तो फाइनल राउंड बराबर है, गाड़ी बराबर कर लो बस, ठीक है भाई। लैग कितना तगड़ा है इसमें, लैग तगड़ा है लेकिन ये उसे पीछे कर देगी ब्रेजा को, ये देखो भाई
ड्राइविंग का डिफरेंस आ रहा है भाई दोनों गाड़ी में। हाँ भाई भाई से चल नहीं रही है भाई, देखो बढ़िया बात है। तो ये था भाई थर्ड राउंड जिसमें हम लोगों ने नेक्सॉन को विनर जो निकल के आती है वो भाई इसमें नेक्सॉन निकल के आ रही है। ये ड्राइवर कच्चा है हो सकता है फिर तो भैया हो सकता है भैया पीक की चली थी फिर आपको पीटा। बढ़िया था, बढ़िया था। इनिशियल मतलब थोड़ा सा लिट बिट कहीं लैक होता है लेकिन फिर बढ़िया बात से बाद में खिंच जाती है बढ़िया। तो ये था भाई फोर्थ राउंड जिसमें भाई का थोड़ा सा ड्राइविंग का डिफरेंस आ रहा है। मैंने इसको चलाया तो ये विनर निकल के आ रही है, हम लोग उसको चला रहे थे तो ब्रेजा निकल के आ रही थी। तो ये थी आज की ड्रैग रेस भाई, शुरू के दो राउंड में भाई ब्रेजा विनर आई, जब हमने उसको चलाया नेक्सॉन चलाई तो फिर नेक्सॉन निकल के आई। अब भाई आप लोग डिसाइड कर लो ब्रेजा विनर है या नेक्सॉन विनर है, जो भी गाड़ी विनर है। तो ये थी भाई आज की अपनी ड्रैग रेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना भाई। ये नेक्सॉन ना जेट एडिशन है जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी आ रहा है, बहुत फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एसी ऑन कर लेते हैं भाई, गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्शन देख लो भाई गाड़ी का, फेरी डार्क एडिशन खड़ी है भाई, डिज़ायर खड़ी है, फॉर्चूनर खड़ी है, ब्रेजा खड़ी है और नेक्सॉन जेट एडिशन को हम लोग ड्राइव कर ही रहे हैं। एक ये है भाई।